दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे ड्रॉप डाउन मेनू। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपके कोड पे आ जाता हूँ और ये आउटपुट है। अब दोस्तों यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू के लिए मुझे लेना होगा एक डीएवी, और उसको क्लास दे देता हूँ ड्रॉप डाउन। इसको क्लास दे देता हूँ ड्रॉप डाउन, उसके अंदर एक बटन ले लेता हूँ। ठीक है, बटन पे लगा देता हूँ यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन। ठीक है, अब इसे सेव कर लेता हूँ, आउटपुट में रिफ्रेश करूँगा। ठीक है, तो ये बटन आ गया, तो बटन की मैं डिज़ाइन कर लेता हूँ पहले, बी टी एन रेंजर, सेव करके रिफ्रेश। तो ये डिज़ाइन हो गई, तो थोड़ा सा इसे मैं जूम कर लेता हूँ कंट्रोल प्लस देखे। ठीक है, अब ड्रॉप डाउन बनाने के मुझे यहाँ पे लिखना होगा ड्रॉप डाउन टॉगल। ठीक है, अभी इसे सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो ये आ गया ड्रॉप डाउन का टॉगल। अब हमें क्या परफॉर्म करवाना है वो लिखना है डेटा टॉगल में। ठीक है, जो भी हमें परफॉर्म करवाना है वो हमें लिखना होगा डेटा टॉगल के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पे लगा देता हूँ मैं ड्रॉप डाउन। ठीक है, सेव करके रिफ्रेश। अब जब इस पर मैं क्लिक करूँ तो कोई मेनू है या कोई भी ड्रॉप डाउन डीएवी है ओपन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे यूएल टैग ले लेता हूँ मैं, जिसको हम ओपन करवाएंगे। उसके अंदर एल आई के अंदर ए, अब इसे मैं एस दे के सिर्फ लगा देता हूँ। और जो यूएल है उसको मैं लगाऊंगा क्लास ड्रॉप डाउन मेनू। ये जो ड्रॉप डाउन मेनू है, और जो एल आई है उसमें क्लास लगा देता हूँ मैं ड्रॉप डाउन आइटम। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ड्रॉप डाउन आइटम। अब सेव करके रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, ये हमारे पास ड्रॉप डाउन आ गया है। ठीक है, तो ये था दोस्तों ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब दोस्तों मैं आपको बोलूँगा कि ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है वो आप डायरेक्ट नेव बार में भी कर सकते हो। मैंने अभी नेव बार पर आपको सिखाया नहीं है, लेकिन आगे जाके मैं आपको वो नेव बार भी सिखा दूंगा। तो दोस्तों अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक ले टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।